अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। रविवार दोपहर सदर थाना क्षेत्र के चोर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। सदर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई। सदर थाना क्षेत्र में तोर गांव के पास युवक की मौत होने के बाद पुलिस उसके शव को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक की पहचान करने के साथ शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान दाऊजी पुत्र केदारनाथ शर्मा निवासी जरोली थाना कोलारी के रूप में हुई है। हादसे को लेकर सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया, सूचना मिली कि एक युवक का शव तोर गांव के पास रेलवे की पटरियों के पास मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जेब में दस्तावेज के आधार पर उसकी पहचान करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक दाऊजी रविवार सुबह घर से अपनी बाइक लेकर यह कहकर निकला था, धौलपुर काम से जा रहा हूं। इसकी पहचान होने के बाद परिजनों को बुलाया गया। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दाऊजी सनप केदारनाथ जाति ब्राह्मण उम्र 24 साल निवासी जारोली थाना कोलारी, अज्ञात कारणों से तोर ट्रैक पर आया और ट्रेन की चपेट में आने से खत्म हुआ, जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कार्रवाई डॉक्टर द्वारा की जा रही। बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु लाश को सुपुर्द परिजनों को किया जाए।